दोस्तों, बिग बॉस के घर में अगर प्यार ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, बिग बॉस ही पूरा का पूरा अधूरा हो जाता है। अब दोस्तों, ऐसा ही कुछ सीन आज के एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को बता दें कि जो राहुल और जो पवित्र हैं, उन दोनों के बीच में जो है एक प्यार का रिश्ता बंधने वाला है। दरअसल यहाँ पे राहुल को जो पवित्र हैं वो कहती हुई नजर आती हैं कि यार राहुल, तुम रोटी बना के खिला दो। और यहाँ पे जो राहुल हैं वो कहते हुए नज़र आते हैं कि ठीक है, आप मुझे सिखा देना, मैं आपको रोटी बना के खिला दूंगा। तो यहाँ पे पवित्र का जो काम रहता है वो रात का रोटी बनाने का रहता है। तो यहाँ पे पवित्र पुनिया जो है वो कहती हैं राहुल को कि ठीक है, रात को तुम मेरे साथ खड़े होना और उसके बाद मैं तुमको 2-3 बार सिखा दूंगी और फिर तुम 2-3 रोटी बना के मुझे खिला देना। तो यहाँ पे राहुल कहते हुए नज़र आते हैं, बिल्कुल यार, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊँगा। और सबसे खास बात मर्दों के लिए यही होती है कि अपने गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ के मतलब साथ अगर वो खड़ा हो के खाना बना रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब दोस्तों, ऐसे में इतने डायलॉग्स मार रहे हैं राहुल भैया कि अब क्या बताएं। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में कि क्या इनका जो स्टार्टिंग वाला फेज़ है फ्रेंडशिप का, वो कितनी दूर तक जाएगा? क्या दोनों के बीच में फिर कुछ घमासान युद्ध देखने को मिलेगा? क्योंकि हमने हमेशा ऐसा देखा है बिग बॉस में कि जो सबसे पहले फ्रेंड बनते हैं उन्हीं के बीच में दरार हो जाती है, क्योंकि बिग बॉस का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। तो दोस्तों, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या ये लोग अपनी फ्रेंडशिप या फिर प्यार व्यार जो भी है ये आगे तक लेके जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं, और क्या राहुल रोटी बना के खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं पवित्र पुनिया जी को। अब आपका क्या कहना है दोस्तों इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी राय जो है उसको ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब कर दोस्तों बॉलीवुड बाजार, ताकि आप लोगों को हर खबर मिले सबसे पहले। धन्यवाद।